जब तक मेरी नौकरी रहेगी सर मैं तब तक याद रहूंगा कि बन्ना देवी इंस्पेक्टर साहब के और सीओ साहब की मौजूदगी मेरी हालत में मेरे साथ ही हालत थी। मुझे नहीं पता था कि इतनी नपुंसक पुलिस है अलीगढ़ की, इतनी नपुंसक पुलिस है अलीगढ़ की। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। जिंदगी भर याद रखूंगा कि सीओ और एसएचओ की मौजूदगी में मुझे बुरी तरीके से पीटा गया, मेरे कपड़े फाड़ डाले गए। मुझे पता नहीं था अलीगढ़ की पुलिस इतनी नपुंसक है। गुंडों की पिटाई से बेबस और लाचार नजर आ रहा यह शख्स कोई सामान्य इंसान नहीं, बल्कि अलीगढ़ पुलिस में ट्रैफिक इंस्पेक्टर के पद पर तैनात कमलेश कुमार यादव हैं। सोचिए, भारी पुलिस बल, थानाध्यक्ष और सीओ की मौजूदगी में ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को जब ये सत्ता से जुड़े गुंडे इतनी बुरी तरीके से पीट सकते हैं, तो प्रदेश के तथाकथित रामराज्य में सामान्य इंसान की क्या हैसियत होगी। पूरी घटना विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले ट्रैफिक इंस्पेक्टर कमलेश कुमार यादव का दर्द सुनिए। जब तक मेरी नौकरी रहेगी सर मैं तब तक याद रहूंगा कि बन्ना देवी इंस्पेक्टर साहब के और सीओ साहब की मौजूदगी मेरी हालत में मेरे साथ ही हालत की गई। और मुझ पर जो झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैंने शराब पी, आज तक मैंने शराब की एक बूंद अपनी जबान पे नहीं रखी और मेरी ये हालत की गई यहाँ पर इन लोगों की मौजूदगी में। मुझे नहीं पता था कि इतनी नपुंसक पुलिस है अलीगढ़ की। मेरे साथ मारपीट की है इन लोगों ने, मेरे कपड़े फाड़े हैं, मेरे ये देखिए खून निकल रहा है यहाँ पर। पूरा मामला अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र का है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर को एसपी के पीआरओ द्वारा निर्देश दिया गया था कि कुछ संदिग्ध वाहनों की चेकिंग करनी है। टीआई कमलेश यादव वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, उसी समय फटफटाते हुए यानी कि मॉडिफाइड साइलेंसर वाली एक बुलेट जो तथाकथित रूप से सत्ताधारी दल से जुड़े एक शख्स की थी, उसको रोका गया, पकड़ लिया गया। चालान की प्रक्रिया की जा रही थी तभी फोन करके उसने कुछ गुंडे सत्ताधारियों को बुला लिया। इसके बाद ये वीडियो गवाह है कि किस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में सत्ताधारियों ने सत्ता की गुंडई का नंगा नाच अलीगढ़ की सड़कों पर खुलेआम किया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर कमलेश यादव ने यूं ही अलीगढ़ पुलिस के लिए नपुंसक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ये गुंडई जो सड़क पर देख रहे हैं इसके बाद इससे कई गुना ज्यादा गुंडई थाने में घुसकर की गई। लेकिन अलीगढ़ के एसएसपी कलानिधि नैथानी अपने बयान में गुंडों का नाम तक नहीं ले पाए। जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें भी ये नहीं बता पाए बीजेपी से जुड़े जिन दो गुंडों को गिरफ्तार किया उनका क्या नाम है। अलीगढ़ पुलिस ने ट्वीट तो किए लेकिन नाम किसी के नहीं दिए। हैरत की बात देखिए, एसएसपी महोदय अपने टीआई को पिटवाने के बाद बता रहे हैं कि दो लोग गिरफ्तार किए, खंगाल मारिए, जल्दी से दोनों के भी नाम नहीं मिलेंगे। जबकि सीसीटीवी फुटेज में, वायरल वीडियो में सब कुछ स्पष्ट है कि कौन कौन पीट रहा है, पुलिस से बदसलूकी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर के कपड़े फाड़ रहा है, पुलिस की वर्दी पर हाथ डाल रहा है। लेकिन पुलिस के किसी भी आला अधिकारी की हैसियत नहीं है कि इस मामले में स्पष्ट तौर पर कुछ कहें। सदी हुई जवान में बताने की कोशिश कर रहे हैं, सरकारी काम में बाधा पहुंचाई गई, सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जबकि अगर ये बीजेपी नेता ना होते, इनके नाम बीजेपी की नफरतवादी विचारधारा को सूट कर रहे होते, तो चिल्ला चिल्ला के न सिर्फ इनके नाम बताए जाते बल्कि दमनात्मक कार्रवाई की जाती। हो सकता है आनन फानन में बुलडोजर भी पहुंच जाता, मगर द वायर की खबर बताती है कि इन दोनों के नाम विशाल गुप्ता और सोनू हैं। दरअसल ये नाम बीजेपी की नफरतिया राजनीति को सूट नहीं करते, इसलिए शायद पुलिस अधिकारियों की जुबान, बयान या ट्वीट में इनके नाम नहीं लिए जा रहे। नहीं ले रहे कोई बात नहीं, जरा सीसीटीवी फुटेज को, वायरल वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। एसएसपी साहब अपने एक इंस्पेक्टर को पिटवाने के बाद कम से कम
इतनी तुर्निलज्जता मत तोड़िए कि सामने सब कुछ हो रहा है, इसके बावजूद दो लोगों को गिरफ्तार करके कहा जा रहा है कि अन्य लोगों को पुलिस ढूंढ रही है। जबकि इसी यूपी पुलिस का रौद्र रूप तब देखिए जब कोई नौजवान अपने रोजगार के लिए, नौकरी के लिए सड़क पर आया हो या विश्वविद्यालय की बढ़ी हुई फीस के विरोध में प्रदर्शन कर रहा हो, तब आनन फानन में निहत्ते छात्रों को, प्रदर्शनकारियों को ठूंस दिया जाता है गाड़ियों में। लेकिन यहां ट्रैफिक इंस्पेक्टर को बुरी तरीके से पीटने के बावजूद सबको छोड़ दिया जाता है, वीडियो वायरल होता है, भद्द पिटती है, महज दो लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, बयान दिया जाता है कि नियमानुसार कार्रवाई चल रही है। और हैरत की बात देखिए, जो इंस्पेक्टर पिटा उसी को सफाई देनी पड़ती है कि उसने शराब की एक बूंद को आज तक हाथ नहीं लगाया, उसी को अपना मेडिकल कराना पड़ता है कि कहीं शराब तो नहीं पियो। जब क्लियर हो गया था कि अल्कोहल बॉडी में नहीं मिला, तब तो इन गुंडों को पकड़ लेते हजूर, मगर हिम्मत नहीं है, क्योंकि पुलिस की वर्दी का रौब सत्ताधीशों की गुंडई के सामने फीका पड़ जाता है। खैर, इस मामले में मामूली से एसएसपी को क्या दोष देना, जब उनके आका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर और बयान इतनी गुंडई के मामले में खामोश है, तो अलीगढ़ के पुलिस के आला अधिकारियों की क्या विसात। देखते रहे नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।